बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम इंटरपोलेशन को डिस्कस करेंगे। सेकंडली हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बैकऑफ, और तीसरे नंबर पे हम वेब स्केल लैंग्वेज मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि वेब स्केल पे जब हमारे पास ह्यूज जो है ह्यूज साइज़ के अंदर जो है वो एनग्राम्स डिवेल्प करने पड़ते हैं हमें, तो उसके लिए हमें क्या जो है वो मेथड्स जो हैं वो यूज़ करने होते हैं। बैकऑफ और इंटरपोलेशन जो है उसका क्या पर्पस है, ये भी जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि एड वन स्मूथिंग एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम जीरोज हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, और हम हमारा जो लैंग्वेज मॉडल है उसको हम प्रैक्टिकली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बैकऑफ और इंटरपोलेशन जो है उसका भी यही आइडिया है कि समटाइम्स इट हेल्प्स टू यूज़ लेस कॉन्टेक्स्ट, और कंडीशन ऑन लेस कॉन्टेक्स्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट यू हैवंट लर्नड मच अबाउट। ठीक है, यानी कि हम लेट्स से हमने ट्राइग्राम मॉडल यूज़ करना है और ट्राइग्राम मॉडल के हवाले से हमें कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा, तो हम बाईग्राम जो है वो मॉडल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैकऑफ जो है इसी के हवाले से बैकऑफ का कॉन्सेप्ट है कि यूज़ ट्राइग्राम इफ़ यू हैव गुड एविडेंस, अदरवाइज बाईग्राम, अदरवाइज यूनिग्राम। ठीक है, तो बैकऑफ में क्या करते हैं हम कि एक हायर ऑर्डर लैंग्वेज मॉडल जो है एनग्राम मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं, अगर उसके हवाले से हमें एविडेंस नहीं मिलता तो हम लोअर लेवल एनग्राम जो है वो यूज़ करते हैं, अगर उसके हवाले से भी नहीं मिलता तो हम फर्दर बैकऑफ करते हैं। तो ये बेसिकली बैकऑफ का जो है वो आइडिया। इंटरपोलेशन जो है इसके मुकाबले में क्या है, इंटरपोलेशन ये है जी कि हम यूनिग्राम, बाईग्राम और ट्राइग्राम्स जो हैं उनको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, कि हम कुछ प्रोबेबिलिटी जो है वो उस वर्ड की यूज़ करते हैं कि उस वर्ड के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कुछ जो वेटेज है वो हम यूज़ करते हैं कि बाईग्राम में उसके अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कि गिवन सम वर्ड उसके अकर होने की, उस वर्ड के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से ट्राइग्राम क्या है कि पिछले दो वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो थर्ड वर्ड आ रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। इनको हम मिक्स कर देते हैं इन लेट्स से इन तीनों मॉडल्स को। नॉर्मली देखा गया है कि बैकऑफ से इंटरपोलेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो काम करती है। तो इंटरपोलेशन के अंदर हम ये करते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि हम ट्राइग्राम, बाईग्राम और यूनिग्राम जो है उनको मिक्स कर देते हैं, और वो मिक्स किस तरह से करते हैं, लैम्डा एक हमारा पैरामीटर है उसको यूज़ करते हुए हम उस लैम्डा को डिफरेंट वेट्स दे देते हैं, और वो वेट जो लैम्डा का वेट है वो सम टू होता है वन। ठीक है, यानी कि कुछ लैम्डा वन जो है लेट्स से उसको 0.3 दे दें, लैम्डा टू को 0.2 दे दें, और लैम्डा थ्री को 0.5 दे दें। इस तरह से हम ट्रेनिंग डाटा से ये जो पैरामीटर्स हैं ये लर्न कर लेते हैं। ठीक है, और उसकी बेस पे हम ये बाईग्राम, ट्राईग्राम और यूनिग्राम मॉडल जो हैं इनको मिक्स करते हैं। तो लैम्डा जो हैं वो हम किस तरह से सेट करते हैं, हमारे पास जो भी कॉर्पस है कंप्लीट उसको हम तीन हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा जो है वो ट्रेनिंग डाटा होता है, एक हमारा जो है वो हेल्ड आउट डाटा होता है, और एक फाइनली हमारा टेस्ट डाटा होता है। ठीक है, और लैम्डा जो हैं वो हम इस तरह से चूज़ करते हैं कि वो मैक्सिमाइज़ करें प्रोबेबिलिटी को हेल्ड आउट डाटा पे। ठीक है, क्योंकि हेल्ड आउट डाटा पे हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, लैम्डा की वैल्यू को सेट करते हैं, और देन वो वाली लैम्डा की वैल्यूज़ हम टेस्ट डाटा के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी आप इस तरह से समझ लें कि हमारे पास अगर 100 डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें से 80 जो हैं लेट्स से हम ट्रेनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, और उसकी बेस पे जो है हम जो भी लैम्डा की वैल्यूज़ जो हैं वो लर्न करेगा सिस्टम, वो जो लैम्डा की वैल्यूज़ हैं उसको हम फिर हेल्ड आउट डाटा पे टेस्ट करेंगे, और उस पे फिर उसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और फाइनली हम वो लैम्डाज की वैल्यूज़ जो हैं वो टेस्ट डाटा पे जो है वो देख सकते हैं कि उनका क्या इफ़ेक्ट जो है वो आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें अभी तक हमने जो देखा इसके हवाले से कि एक वर्ड्स जो हैं वो एक्चुअली अकर हो रहे हैं
लेकिन बाईग्राम ट्राईग्राम के कॉन्टेक्स्ट में अगर नहीं हो रहे तो उसको हमने कुछ प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो खुद से असाइन कर दी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हमारे टेस्ट डेटा के अंदर ये जहाँ पे हम अपना मॉडल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कुछ अननोन वर्ड्स जो हैं वो अपीयर हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि ओपन वर्सेस क्लोज्ड वोकैबुलरी टास्क जो हैं दो तरह के होते हैं। अगर तो हमें पता है कि किस तरह के वर्ड जो हैं, लेट्स से हम स्पीच रिकग्निशन सिस्टम बना रहे हैं और हमें पता है कि जो यूज़र है वो इस तरह के कमांड्स जो हैं वो दे सकता है, ठीक है, ये 4, 5, 10 कमांड्स हैं जो कि हमेशा यूज़र यही कमांड्स देगा और उसी में से जो है उसको सिस्टम फैसिलिटेट करेगा उसके रिस्पांस में, देन तो वो जो है वो क्लोज्ड वोकैबुलरी टास्क है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हमें नहीं पता कि यूज़र जो है उसकी एड्रेसेस क्या हो सकती हैं, वो डिफरेंट वोकैबुलरी जो है वो यूज़ कर सकता है, तो उस केस में वो ओपन वोकैबुलरी टास्क होगा और उसमें आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं या OOV जिसे हम कहते हैं वो अकर कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते ये हैं कि एक हम टोकन डिफाइन कर लेते हैं अंक के नाम से, ठीक है, UNK, और ट्रेनिंग जब हम करवाते हैं तो हम अंक जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है, और हम उसमें बेसिकली ट्रेनिंग के अंदर क्या करते हैं कि एक फिक्स्ड लेक्सिकॉन L जो है वो डिफाइन कर लेते हैं जिसका साइज़ जो है वो V होगा, यानी कि जो वोकेबलरी का हमारा साइज़ है। जब हम टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो हम कोई ऐसे वर्ड्स जो कि ट्रेनिंग वर्ड के लेक्सिकॉन में नहीं हैं उनको अननोन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हम लेट्स से कि हमारे पास जो हम हमारे टॉप फ्रीक्वेंसी के हवाले से अगर हम देखें तो 10,000 जो वर्ड्स हैं लेट्स से हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर, टॉप 10,000 वर्ड्स जो हैं उनको हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा लेक्सिकॉन है, उससे ऊपर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनको हम अंक से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी है जो हैं प्रोबेबिलिटीज़ वो अंक की उसी तरह से कंप्यूट करते हैं जैसे कि नॉर्मल वर्ड्स की हम करते हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि अब वो 10,000 वर्ड्स के अलावा जहाँ जहाँ पे भी और वर्ड्स आ रहे थे उनको हमने अंक से जो है वो रिप्लेस कर दिया। पर्पज़ ये है कि जब कल को हमारे पास टेस्ट डाटा आएगा या कोई और डाटा पे हम उसको जो है अपने मॉडल को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जब इस तरह के वर्ड्स आएंगे जो कि एक्चुअली ट्रेनिंग के अंदर अकर नहीं हुए हुए तो उनको भी हमारा सिस्टम जो है वो हैंडल कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो भी वर्ड्स आते हैं अननोन उनको हम अंक से रिप्लेस कर देते हैं और फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब लेट्स से हमारे पास एक बहुत ह्यूज जो है वो कॉर्पस है वेब स्केल का, यानी कि जिसमें बिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, तो उस केस में हम एन ग्राम जो है वो कैसे कंप्यूट करेंगे। जैसे कि गूगल का है एन ग्राम कॉर्पस, तो गूगल के एन ग्राम कॉर्पस के लिए डिफरेंट जो है वो टेक्निक यूज होती हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम सिर्फ वो वाले एन ग्राम जो हैं वो यूज़ करें जो कि जिनका काउंट जो है वो एक थ्रेश होल्ड से ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कि अगर बहुत कम अकर हो रहे हैं कोई एनग्राम्स तो उनको हम रिमूव ही कर दें। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रूनिंग, ठीक है। प्रूनिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड भी हो सकती है, वो एंट्रोपी बेस्ड प्रूनिंग भी हो सकती है, ठीक है। एंट्रोपी का एक अपना फार्मूला है जिसकी बेस पे हम वर्ड्स या जो हमारे एनग्राम्स हैं उनकी एंट्रोपी कंप्यूट करते हैं और उसकी बेस पे हम देखते हैं कि जिनकी एंट्रोपी कम है उनको हम प्रून कर दें या रिमूव कर दें। इसी तरह से वेब स्केल एनग्राम्स के लिए हमें एफिशिएंसी भी चाहिए क्योंकि अगर बिलियंस ट्रिलियंस जो हैं इतनी इतने साइज़ का जो है वो उसका लैंग्वेज मॉडल है तो उसके लिए हमें एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक ट्राइज जो हैं वो भी चाहिए।
अब ब्लूम फिल्टर्स और अप्रॉक्सीमेट लैंग्वेज मॉडल्स में यूज़ किए जाते हैं, और फिर वर्ड्स जो हैं स्ट्रिंग्स की बजाय उनके इंडेक्सेस जो हैं या नंबर्स की फॉर्म में जो हैं वर्ड्स को स्टोर किए जाते हैं। फिर उसमें हफमैन कोडिंग यूज़ होती है, क्वांटाइज हम करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ को। तो ये सारे काम हम इसलिए करते हैं बेसिकली कि हम लार्ज वेब स्केल जो एनग्राम्स हैं उनको हैंडल कर सकें। और वेब स्केल एनग्राम्स की अगर हम बात करें तो उसमें स्मूथिंग जो है वो हम किस तरह से करते हैं, उसमें एक ब्रांड्स एट आल ने 2007 में स्टूपिड बैक ऑफ जो है वो प्रपोज किया था, और इसमें हम कोई डिस्काउंटिंग जो है वो यूज़ नहीं करते। डिस्काउंटिंग मींस के हम जिन वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है उनमें से डिस्काउंट नहीं करते हैं। हम जस्ट क्या करते हैं कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि ये नीचे जो है इसका फार्मूला है इसका स्कोर कंप्यूट करने का, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये स्कोर है। और ये स्कोर जो है ये किस तरह से कंप्यूट होता है, हम काउंट जो है वर्ड का काउंट विद रिस्पेक्ट टू इससे पहले जो प्रीफिक्स आ रहा है उस प्रीफिक्स से जो है उसके काउंट से डिवाइड कर देते हैं। अगर तो वो जो प्रीफिक्स है उसका काउंट जो है अगर तो वर्ड जो है उसका काउंट जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है उस लेवल के एनग्राम का, ठीक है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि 0.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे प्रीवियस लेवल वाले, उससे लोअर लेवल वाले, उससे लोअर ऑर्डर वाले एनग्राम से उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो स्कोर जो है वो आ जाता है। और सिंगल वर्ड जो है यूनिग्राम लेवल पे हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं स्कोर, वो नीचे गिवन है कि हम वर्ड का काउंट ले लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल जो हमारे पास डिक्शनरी का जो साइज़ है उससे हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं।